नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टोटल ज्ञान में। दोस्तों, चाणक्य नीति चाणक्य द्वारा रचित एक नीति ग्रंथ है, जिसमें जीवन को सुख में और सफल बनाने में उपयोगी सुझाव दिए गए हैं। इस ग्रंथ का मुख्य विषय मानव समाज को जीवन के हर एक पहलू का व्यवहारिक शिक्षा देना है। दोस्तों, आचार्य चाणक्य जी एक बहुत बड़े विद्वान थे और उन्होंने अपनी नीतियों में जो भी लिखा, आज के वक्त में वो 100% सच साबित हो रहा है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आचार्य चाणक्य द्वारा चाणक्य नीति में लिखे गए कुछ बहुत ही अनमोल और अद्भुत विचार। दोस्तों, उनके बारे में जानने के लिए आप हमारा आज का वीडियो आखिर तक जरूर देखते रहिए और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक या फिर और भी अन्य सोशल मीडिया पर शेयर करना मत भूलिए। और दोस्तों, अगर आप ऐसे ही ज्ञान से भरपूर वीडियो देखकर अपने ज्ञान के भंडार को बढ़ाना चाहते हैं तो बिना देरी किए सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे YouTube चैनल टोटल ज्ञान को, ताकि आप हमारे ऐसे ही ज्ञान से भरपूर वीडियो देखकर अपने ज्ञान के भंडार को बढ़ा सकें। दोस्तों, चाणक्य नीति के अनुसार किसी भी परिस्थिति में व्यक्ति को अपने धैर्य नहीं खोना चाहिए। चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनवाने में चाणक्य की नीतियों का बेहद महत्वपूर्ण योगदान रहा। आचार्य चाणक्य की नीतियों का पालन करके व्यक्ति सफलता और सुख समृद्धि हासिल कर सकता है। चाणक्य की नीतियां जीवन के हर एक मोड़ पर आपकी मदद कर सकती हैं। आचार्य चाणक्य जी को कौटिल्य या फिर विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। आचार्य चाणक्य एक महान शिक्षक, अर्थशास्त्री, न्यायविद और शाही सलाहकार के नाम से भी वर्षों पुरानी उनकी नीतियां वर्तमान जीवन में भी आज के वक्त में बेहद कारगर साबित हो रही हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं चाणक्य के द्वारा बताई गई कुछ महत्वपूर्ण नीतियों के बारे में, जो आपके जीवन को सफल और सुखमय बना सकती है। आचार्य चाणक्य के मुताबिक जिस स्थान पर मूर्खों को अधिक महत्व दिया जाता है, थाली में खाना छोड़ दिया जाता है, परिवार में लोग प्रेम से नहीं रहते, ऐसे स्थान पर माँ लक्ष्मी का वास नहीं होता। चाणक्य नीति के मुताबिक व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति में अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए। आचार्य चाणक्य नीति के अनुसार एक अच्छा दोस्त वही होता है जो जरूरत के समय आपके काम आए। चाणक्य नीति के मुताबिक अगर पति पत्नी आपस में बातचीत कर रहे हों तो उनके पास में से नहीं गुजरना चाहिए और ना ही उनके बीच खड़े होकर उनकी बातचीत सुननी चाहिए, इससे उनकी निजता में बाधा उत्पन्न हो सकती है। चाणक्य नीति के मुताबिक दुष्ट व्यक्ति के साथ आप कितना भी अच्छा व्यवहार क्यों ना कर लें, लेकिन उसका व्यवहार कभी नहीं बदलता। चाणक्य नीति के अनुसार कभी भी व्यक्ति को अपने शत्रुओं से घृणा नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से आप उसके बारे में सोचने समझने की शक्ति खो देते हैं और इससे आपको उसकी केवल कमजोरी दिखती है, ताकत नहीं। दुश्मन को हमेशा एक दोस्त की तरह देखें। तो दोस्तों, यह तो थी आचार्य चाणक्य जी की कुछ महत्वपूर्ण नीतियाँ जो आपके जीवन को सफल बना सकती हैं और आप इन नीतियों को अपने जीवन में उतार कर अपने जीवन को एक सही दिशा में ले जा सकते हैं और आप अपने जीवन में सफलता पा सकते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर करिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप,
फेसबुक या फिर और भी अन्य सोशल मीडिया पर शेयर करना मत भूलिए। और ऐसे ऐसे ज्ञान से भरपूर वीडियो देखकर अपने ज्ञान के भंडार को बढ़ाने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे YouTube चैनल टोटल ज्ञान को, ताकि आप हमारे ऐसे ही ज्ञान से भरपूर वीडियो देखकर अपने ज्ञान के भंडार को बढ़ा सकें। धन्यवाद दोस्तों।